हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2022 लेटेस्ट मॉडल प्लस स्नो मेकिंग मशीन है, आइस स्नो मेकिंग मशीन है, उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो आज स्पेशली हमारे यहाँ कस्टमर आए, झारखंड में रांची के पास से कस्टमर आए, मशीन को देखने के लिए कैसा फंक्शन रहता है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है और आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, ये मशीन के अंदर आइसक्रीम का क्वालिटी टेस्ट कैसा बनता है। तो सर को आज हम पूरा लाइव वीडियो देने वाले हैं, जहाँ पे हमने मिल्क लगा के रखा हुआ है, फ्लेवर्स लगा के रखा हुआ है। तो सर को हम लाइव वीडियो स्टेशन ये वीडियो के अंदर देने वाले हैं कि मशीन में कैसे मटेरियल बनाया जाता है, कैसे मशीन में फील किया जाता है, मशीन में से आइसक्रीम निकाला कैसे जाता है और आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है। तो ये वीडियो के अंदर आपको लाइव रिव्यू देखने मिलेगा कि कस्टमर टेस्ट करके खुद हमको बताएंगे कि उनको टेस्ट कैसा लगा। एक ओरिजिनल रिव्यू मिलेगा दोस्तों, जो लाइव कस्टमर आते हैं उनका वीडियो लाइव रिव्यू हमको देते हैं कि टेस्ट और क्वालिटी कैसा है। तो सॉफ्टी आइसक्रीम का भी रिव्यू देंगे और स्लश मशीन का भी रिव्यू देंगे। तो थोड़ा सर से हम बात कर लेते हैं। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मैं चंचल कुमार दास। अच्छा, और सर कहाँ से आए सर आप? मैं रांची लोहरदगा से। रांची में? रांची झारखंड से। झारखंड रांची में कौन सा सिटी है सर? लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आए सर। तो और सर आपने हमारा ये वीडियो कहाँ से देखा सर आपने? मैं यूट्यूब में भी देखा, फिर बुंडू में भी एक मशीन गया हुआ है सौदेश जी के पास। अच्छा, आपके बगल में मशीन भी देखा, आपके आसपास के शहर में भी देखा मशीन हमारा, रेडी भी जा चुका है उससे भी। अच्छा, तो उनका रिव्यू कैसा था कस्टमर का? कस्टमर का बोला बहुत अच्छा है, डेढ़ साल से चला रहा, बोला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रही है हमको। अच्छा, डेढ़ साल से चला रहा है मशीन, परफेक्टली चल रहा है। उसके बाद आज फैक्ट्री पे विजिट के लिए है। आज दोस्तों 6 तारीख है, 9वां महीना है 2022 है दोस्तों, और कस्टमर यहाँ पे आए फैक्ट्री के में विजिट के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे हमारी मशीन का रिव्यू भी लिया कस्टमर, हमने जहाँ पे आसपास में मशीन दिया हमने कस्टमर का नंबर भी दिया, रिव्यू भी दिया, और यहाँ पे आज स्पेशल देखने के लिए आए। सर वैसे हम जो वीडियो में बताते हैं कि हमारा काम ऐसा है, हमारा एक्चुअल में काम, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल लगा सब? जी, जेन्युइन काम लगा। क्योंकि कई लोग क्या वीडियो में कुछ बताते हैं, एक्चुअल कुछ होता है। अच्छा, कुछ तो फॉल्स दिखाता है, करता नहीं है। अच्छा, और आपका पास तो देखा मैं, ओरिजिनल काम ऐसा ओरिजिनल ही हमारा, जो वीडियो में हम दिखाते वही काम दिखा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ लाइव कस्टमर आए हैं तो उनको हम सब चीज़ ऑपरेट करके बता रहे हैं। अभी तो हमने मशीन सामने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है, अभी हम इसमें से रॉ मटेरियल बनाएंगे, इसमें फिलअप करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे, सर को थोड़ा फंक्शन बताएंगे, फिर हम सर से पूछेंगे कि हमारी मशीन का परफॉर्मेंस कैसा लगा, उसका क्वालिटी कैसा लगा। वैसे सर आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं अभी वहाँ पे? मेरा तो वहाँ स्वीट कॉर्नर है। स्वीट कॉर्नर है, स्वीट बना रहे हैं आप वहाँ पे ऑलरेडी आपके शहर में? और सर आपने आइसक्रीम तो खाया होगा सॉफ्टी बाजार में? सब जगह बाजार में टेस्ट नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, कहीं कहीं टेस्ट है। अच्छा, कहीं तो एकदम टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो अभी हम हमारे सर से हमारे मशीन में से आइसक्रीम लाइव फ्रेश आइसक्रीम बना के टेस्ट कराएंगे और पूछेंगे सर से कि आप जो बाजार में आइसक्रीम खाते हो और हमारे आइसक्रीम में क्या फर्क है। तो ये लाइव डेमो बना के हम सर को सर का पूरा रिव्यू लेने वाले इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे, हम फ्लेवर रेसिपी बताएंगे, फ्लेवर कैसे बनाना है, इसको कैसे चलाना है। तो चलिए दोस्तों हम फ्लेवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा फ्लेवर से ब्रांडेड कंपनी का बटर स्कॉच का आपने जो रिक्वायर्ड किया वो टेस्ट का फ्लेवर लिया है हमने, और एक यहाँ पे वेनिला का फ्लेवर है। ये दोनों फ्लेवर हम हाफ हाफ केजी बनाएंगे, इसके अंदर 1 किलो के अंदर 4 लीटर मिल्क लगाना रहता है आपको। तो अभी हम 2 लीटर मिल्क में हाफ केजी पाउडर लगा के फ्लेवर बनाएंगे इसके अंदर। अभी यहाँ पे हमारे टोटल 4 लीटर्स मिल्क बना के रखा है, तो उसमें से हम 2-2 लीटर मिल्क दोनों बाउल में ऐड कर देंगे, रेसिपी के हिसाब से 2-2 लीटर दोनों बाउल में ऐड कर देंगे फिलहाल हम। और इसको बनाना टोटली आसान है, इजी है, आपको इसको बना के स्टोर नहीं करना है। जैसे मशीन में मटेरियल कम हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर रॉ मटेरियल बना के फिर ऐड कर देना है, ऐसा नहीं कि बना के 20 लीटर तैयार रखो, 25 लीटर तैयार रखो, ऐसा नहीं करना। हाँ, फट भी जाएगी और आपका सेलिंग नहीं हुआ तो दूसरा दिन तीसरे दिन बनाया हुआ रेडीमेड 2-3 दिन पहले का फ्लेवर खिलाने से कोई मतलब नहीं है। फ्रेश टू फ्रेश बनाओ, फ्रेश टू फ्रेश खिलाओ कस्टमर को। ये गरम दूध चल सकता है कि मिश्रण? नहीं, नॉर्मल दूध ही देना है, गरम करने का भी जरूरत नहीं है आपको। नहीं। और एक बार बनाने के बाद अगर आप इसको पैकेजिंग आइसक्रीम बना के करते हो तो अराउंडली 20 से 25 दिन तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसको कोई खराब नहीं होता है। अगर आपको पैकेजिंग का काम करना है मशीन में से, जैसे कि लाइव अभी आप बना के आइसक्रीम को खिला रहे हो लोगों को, बट फ्यूचर में आपको ऐसा है कि भाई मैं 50 डब्बी 100 डब्बी 200 डब्बी बना के स्टोर करूँ डीप फ्रिज में, तो 1 महीने तक उसका वैलिडिटी हो सकता है। हाँ, वो कैटरिंग में करता हूँ। हाँ, कैटरिंग करते हैं क्या वहाँ पे? अच्छा, हाँ, तो कैटरिंग में वो डब्बी बना बना के घर से आप ले जा सकते हो, होम यूज से बना के पूरा डीप फ्रीजर में ले जा सकते हो उसके अंदर। वही मैं जानकारी आपसे ले रहा हूँ। हाँ, हो सकता है, हमारे बहुत सारे कस्टमर है वो करते हैं ऑलरेडी,
क्योंकि ये मशीन जो हमारा 2022 का मॉडल है इसकी कैपेसिटी है एक घंटे में 350 कौन की हार्डनेस जमा के डीप फ्रिज में। हाँ हाँ करो ना, स्टोर कर देगा डीप फ्रिजर में, उसका टेम्परेचर स्टोर हो जाएगा, फिर जब आदमी खाने जाएगा तो वो लूज होगा टेम्परेचर उसका। बस मैं बाजार से लेता हूँ। अच्छा, तो तीन बड़ा वाला ये लेता 5 kg वाला, महंगा पड़ जाती है, तो अपना ही डीप फ्रिज में डाल के ले गया कैटर में। बराबर है, कब में चला दिया। सही है, बराबर है, चलेगा वो आसानी से चलेगा। वही मैं जानकारी आपके लिए, अभी हमने इसमें 2-2 लीटर ऐड कर दिया है। अभी वेनिला का तो 500 ग्राम हमारे पास पैकेट है, क्योंकि पहले कस्टमर आए थे उनका बनाया हुआ था हमने, इसलिए हम इसमें वेनिला तो ऑलरेडी 1 kg का आता है कि 500 ही आता है? नहीं, 1 किलो का ही आता है मिनिमम, बट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ के लिए हाफ के जी बना सकते हो। अगर आपका कम रिक्वायरमेंट है तो आधा किलो पाउडर वेट करके बना सकते हो उसके अंदर आप। वेनिला 500 ग्राम ने ऐड कर दिया है। उसके बाद दूसरा मिल के इसमें हमारा बटर स्कॉच है, क्योंकि उसका अंदर हमारे पास अराउंडली 1 किलो का ही पैकेट है, इसलिए हम वेट करेंगे इसका। ये 0-0 हो चुका है, अभी ये डाल के हम इसको 0-0 कर देंगे। अभी हम 500 ग्राम पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। ये हो गया 500 ग्राम। अभी हमारे पास जो ब्लेंडर मशीन है इलेक्ट्रॉनिक बॉस कंपनी का, इससे हम इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे। वेनिला को ऐसे अच्छे अराउंडली 1-1.5 मिनट तक आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना, जो मिल्क का पाउडर है वो दोनों एक हो जाने चाहिए इसको। पूरा मिल जाएगा तो भाई ने बैठा हुआ चाह पानी का ठंडू बंडू। हाँ, जो भी वेराइटीज बनाने बनाओ, डिफरेंट मल्ला है, मावा मल्ला है, इलायची है, ये वेनिला कॉमन है, उसके अंदर कोई भी एसेंस कोई भी केमिकल या कुछ नेचुरलिटी ऐड करेंगे इसलिए फ्लेवर बन जाएगा आपका। मेरे पास मैंगो का है, एसेंस आता है ना, अच्छा एसेंस है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला मैंगो है, अच्छा लीची है, ये बटर स्कॉच है। 1-1.5 मिनट मिक्स कर देना, इसलिए प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाएगा अपना मटेरियल। मिक्स हो चुका है दोनों प्रॉपरली। अराउंडली जो अभी हमने मटेरियल बनाया इसके अंदर से अराउंडली 115-120 कौन का बैकअप मिलेगा आपको। 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर 60 रुपये के हिसाब से 4 लीटर मिल्क होगी आपको 240 रुपये का होगी और 210 रुपये का पाउडर हो गया 460 रुपया। 460 रुपये के अंदर आपको 120 का बैकअप मिलेगा, 2500 रुपया। हाँ, इसलिए आराम से आप कम से कम 15 रुपये का रिनिंग हो जाएगा आपको आसानी से। बिजली खर्च होगी 100 रुपया। हाँ, वो अलग से अराउंडली 6 रुपये का एक कौन पकड़ना है आपको, बिजली आ गया, कौन आ गया, मटेरियल आ गया, सब मिला के 6 रुपये का एक कौन आता है बाजार में आपको, ये भी इसमें हम गुजार देंगे। ये टैंक का भी जो रहते हैं ना ग्रिप, इसका ग्रिप अंदर फंस जाता है इसके अंदर, इसलिए इसके क्या होता है कि अंदर कोई डस्ट नहीं जाता है, ये ग्रिपिंग के अंदर ग्रिप हो गया इसलिए डस्ट कोई कचरा धूल है रचकन यहाँ पे पड़ा रहते हैं वो अंदर टैंक में नहीं जाता है उसमें। राज्य भाई हैं भाई, अभी हम थोड़ा वॉश का बटन दबाएंगे और लाइनिंग में ले लेंगे इसको। लाइन में आ चुका है पूरा।
वापस हेड कर देंगे। पाइप में हाँ, पाइपिंग में पूरा प्रॉपर आ चुका। वो मिक्स का है, उसको नहीं निकालना, वो तो आइसक्रीम बनने के बाद ही निकालना है उसको। दोनों वेनिला बटर स्कॉच मिक्स होकर निकलेगा। अभी ये वो आ गया मेन फंक्शन में। हम अभी हम यहाँ से फ्रीज दबाएंगे, अभी आइसक्रीम बनाना चालू करना है हमारे को, इसलिए आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रीज दबाएंगे। इसलिए अभी मशीन चालू हुआ, अभी इसका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अराउंडली 10 सेकेंड के अंदर कंप्रेसर किक मारेगा उसका। किक मारा। टोटली क्या मशीन काम कर रहा है अभी, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन है पूरा। 33 का टेम्परेचर है इसका सिलेंडर का, कितना ठंडा है सिलेंडर में है यहाँ पे दिखा रहा है 32 नंबर। कितना टेम्परेचर टैंक में, ये टैंक है, 9 में जा रहा है, ये टैंक है इसका, दोनों ये 9 नंबर का टेम्परेचर है। कितना आपका आइसक्रीम तैयार, अभी तैयार नहीं, इसलिए कौन 2 पॉइंट ही है, जब तैयार कम होगा पूरा कौन बन जाएगा। यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ जाएगा, 100%। इसको एक बार आप पुश करेंगे, ऊपर से वोल्टेज कितना आ रहा है, 210 वोल्टेज आ रहा है ऊपर से। कितना कौन अभी निकाला है आपने, आउटलेट 0-0, क्योंकि अभी हमने 0 किया उसको, ये 0-0 आउटलेट पीस है। कितना आरपीएम से मोटर घूम रहा है, कितना हार्डनेस आपने रखा हुआ है, कितना फ्लूइड कूलिंग का टेम्परेचर, ये टोटली इंट्रोडक्शन। मशीन अभी क्या आपका लाइव काम कर रहा है, ये टोटली यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा आपको टोटली। ये अभी हमने कितना देखा था, 32 देखा था, अभी कितना हो गया है, 26। अभी ये माइनस में जाएगा, जितना आपने हार्डनेस सेट रखा है उतना माइनस में जाके ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। 10 से 12 मिनट का टाइम फर्स्ट टाइम लगेगा आइसक्रीम जमाने के लिए। उसके बाद कितनी देर तक ठंडा रहेगी, उसके बाद ऐड करो निकालते रहो, ऐड करो निकालते रहो। एक बार 100% हो जाएगा इसलिए मशीन पूरी बंद हो जाएगी, साइलेंट, एक पंखे का भी पावर नहीं खाएगी। फिर आप जब आइसक्रीम 5 कोन निकाले आपने, तो 5 कोन का मिल्क यहाँ पे ले लेगी वो, अराउंडली 1 मिनट में जमा के फिर बंद हो जाएगी वापिस। वापिस कोई कस्टमर आया, 10 कोन निकाल के दे दिया आपने, वापिस 1 से 1.5 मिनट चालू होगी, जमा के वापिस बंद हो जाएगी। ले वो अप डाउन होता रहेगा, बिजनेस होगा आगे पीछे करते रहेगा। बिजनेस नहीं होगा तो पावर नहीं खाएगी, बिजनेस होगा तभी पावर खाएगी मशीन आपकी। उसके बाद अभी अपनी स्लश मशीन है, स्नो मेकिंग मशीन है। इसका भी हमने जो मैंगो का फ्लेवर है इसके अंदर इंस्टेंट मैंगो बना रहे हैं, इसके अंदर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। पानी ना बाउल ले लो, नो लीटर ही पानी भरी ले, आर वो आर नो, ये 12 लीटर की है ना, ये 12 लीटर की टैंक है, वन टाइम में 12 किलो भर सकता है। बोतल में कितनी की जाएगी, 1 लीटर फ्लेवर और 4 बोतल पानी का। हाँ, ये बोतल में 4 लीटर, हाँ 1 लीटर में 4 लीटर करने। अभी मैं आपको टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, इसके अंदर पूरा नहीं बना रहे अपने, हाँ जानकारी। इसलिए 1 में 4 आप इसमें बोतल में भी लिखा रहता है रेसिपी का, कितना पानी लेना है आपको, इसका जो रेसिपी रहता है ना यहाँ पे, इसका रेसिपी भी लिखा रहता है बोतल के अंदर। शुगर मैंगो बाकी नॉर्मली रहता है, ये 4 पार्ट रहता है, 1 पार्ट वाटर, 4 पार्ट ऐसा रहता है उसके अंदर। लाओ पानी ले ले, लाओ आरोन उठ से ना, लाओ आदि। इसको भी अराउंडली 15 से 20 मिनट टाइम लेगा स्नो बनाने के लिए फर्स्ट टाइम में। यहाँ पे आपको सेटिंग रखना है, कितना हार्डनेस कम करना है यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितना हार्ड स्नो बनाना है आपको। खाली शरबत बनाना है तो शरबत का भी सेटिंग कर सकते हो कि भाई स्नो नहीं चाहिए मेरे को, ओनली चिल्ड वाटर चाहिए, चिल्ड तो उसको सेट करेंगे तो ओनली चिल्ड प्रोडक्ट निकलेगा, स्नो नहीं बनेगा। 0 नंबर पे, 0 पे स्नो बनेगा। लाइट चालू करना है अट्रैक्शन के लिए, तो ये लाइट का बटन है, ये लाइट चालू हो जाएगा, और आपको अट्रैक्शन करना है तो चालू लाइट हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरा लाइव डेमो चलाया है, अभी अराउंडली 10 से 12 मिनट का टाइम होगा, 10 से 12 मिनट के अंदर फिर लौटते हैं हमारे कस्टमर के साथ और सबको टेस्ट कराएंगे, आइसक्रीम क्वालिटी बना के चेक कराएंगे, उसके बाद सर का लाइव डेमोस्ट्रेशन लाइव रिव्यू लेंगे दोस्तों। थैंक यू। अभी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पे -5 का टेम्परेचर है, 98% आइसक्रीम तैयार दिखा रहा है डिस्प्ले में। अभी हम सर को थोड़ा आइसक्रीम निकाल के टेस्ट करा के बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कोन निकालेंगे, यहाँ से एक कोन में से वेनिला का आइसक्रीम निकालेंगे, यहाँ से वेनिला नहीं बटर स्कॉच है यहाँ पे, ये बटर स्कॉच का आइसक्रीम निकालेंगे। ये आइसक्रीम निकल के तैयार हो चुका है बटर स्कॉच का, हमारे सर उनको टेस्ट करेंगे। लीजिए सर, थैंक यू। और दूसरा एक कोन निकालेंगे वेनिला का, यहाँ पे वेनिला है,
लीजिए, ये वेनिला का फ्लेवर निकाला है हमने। कितनी बैठ जाती है? वो डिपेंड है आपको कितना क्वांटिटी भरना है उसके ऊपर है। बाकी नॉर्मल एक क्यूबिंग रहता है अराउंड 50 से 60 ग्राम जाता है एक कोन के अंदर, नॉर्मल क्यूब के अंदर। वेट भी पूछना जरूरी है? हाँ वो तो जरूरी है वेट सब। सही, सबसे कप बनाना है तो कप भी बना सकते हैं आपको। ये मिक्स का फ्लेवर है, ये दोनों मिक्स होके निकला, एक साइड वेनिला है एक साइड बटर स्कॉच है आपका। ये है टेस्ट। टेस्ट कैसा लगा सर आपको? अच्छा है टेस्ट। टेस्ट अच्छा है एकदम। सॉफ्ट कल खाया तो उससे बेटर। कल खाया अहमदाबाद में खाया उससे अच्छा है। अच्छा अच्छा। और क्रीमनेस कैसा है सर इसमें? बर्फ आ रहा है, क्रिस्टल आ रहा है जरा? क्रिस्टल है थोड़ा। अच्छा, बाकी टेस्ट अच्छा ही है ना पूरा? अच्छा। और आपको कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा, कल टेस्ट किए थे लेकिन उतना अच्छा नहीं, आज बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उसका क्वालिटी एकदम अच्छा है। हाँ, कौन सा फ्लेवर टेस्ट कर रहे हैं मैडम आप? वेनिला का फ्लेवर है, वेनिला का फ्लेवर है ना। तो आप देख सकते हैं हमने सर को टेस्ट कराया पूरा, क्वालिटी कैसा है। और सर मशीन का फंक्शन कैसे लगे आपको? मशीन अच्छी लगी। अच्छी लगे फंक्शन? रखिए इसमें बाउल में रखना है, डाल दीजिए यहाँ, रख दीजिए वांदा नहीं है इसके लिए, इसमें डाल दीजिए। और स्नो भी टेस्ट करा देते हैं आपको। और ये स्नो मेकिंग मशीन है, ये भी हमारी रेडी हो चुकी है, तैयार है। ये भी हम सर को थोड़ा टेस्ट करा देते हैं स्नो भी। इसमें हमने मैंगो का फ्लेवर डाला है स्नो में। लीजिए सर ये भी टेस्ट कीजिए। दूर अच्छा है मैडम, टेस्ट कैसा है इसका? बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छी चीज़ है, मैंगो में फ्लेवर बहुत अच्छा है। अच्छा, और एकदम ये जो गोला खाते हैं बाजार में वैसा गोले जैसा है? नहीं नहीं नहीं, गोले से डिफरेंट है। अच्छा, उस एकदम स्मूथ स्मूथ आइस होगा एकदम पूरा? एक बार खाए तो 100 बार खाने का। अच्छा ऐसा है, क्योंकि और इसको आप कंबाइन अगर दो मशीन लेते हो तो ऐसा है, तो आप इसको पहले यहाँ पे स्नो बना के भी डाल सकते हो इसमें, और यहाँ पे आप इसमें से आइसक्रीम भी डाल सकते हो इसे, ऐसा कंसेप्ट भी बना के दे सकते हो अपने कस्टमर को। ये 2-in-1 कंसेप्ट हो जाएगा आपका ये। इसके ऊपर आपको कोई ऐसा ट्विंकल्स ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कलर्स पड़े हुए अलग अलग, तो कलर्स भी आप अलग अलग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो भी डिफरेंट डेकोरेशन करना है यहाँ पे आप डेकोरेशन कर सकते हो इसे, जैसे चॉकलेट का या स्ट्रॉबेरी का टॉपिंग्स भी डालना है इसके अंदर, तो ऐसे टॉपिंग्स भी डाल सकते हो। बीजो कप आप तो है जी, ऐसे कप में आइसक्रीम भरना है, ऐसे वेराइटीज डिफरेंट आपके माइंड से आप बना सकते हो, कैसा आपको बनाना है अपनी वेराइटीज के हिसाब से। ऐसा डेकोरेशन कर सकते हो, ऊपर से डेकोरेशन कर सकते हो, ऐसे चोको क्यूब है चोको क्यूब डाल सकते हो। 15 रुपये से लेके आप अलग अलग 150 रुपये तक का वेराइटीज बना सकते हो इसमें से। पूरा प्याली जो आता है कप प्याली, और प्याली में भी बना के मलाई है रबड़ी है ऊपर से ऐड करके, वैसा भी डिफरेंट जो आपको माइंड आपके शहर में जो चलता है वो हिसाब से आप बना के दे सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा डेमोस्ट्रेशन लाइव, हमारे कस्टमर आए थे सर, आए थे रांची से, उनको दिया है। और सब मशीन का फंक्शन कैसा लगा आपको इसका? मशीन का बहुत अच्छा ऑपरेटिंग, जैसे कि 10 से 12 मिनट में हमने बोला था कटआउट हो जाता तो बंद हो गया था, बन के बंद रेडी हो गया था पूरा कम्प्लीटली। और मेन है कि टच स्क्रीन है, टच लॉकिंग है, अच्छा काउंटिंग है, काउंटिंग सिस्टम है, जो जो फंक्शन है मशीन में हमने आपको समझाया सब चीज़ इसके अंदर, टोटली आइडिया दिया सभी मशीन के बारे में। और यहाँ पे हमने मटेरियल का एयरफिल भी आपको दिखाया, एयरफिल हो रहा है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं हमने पूरा बबलिंग हो रही है उसमें, बबलिंग हो रही है ना इसके अंदर एयर में। तो हमने दोनों मशीन का लाइव डिटेल सर को दिया है, कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है, कैसे मशीन का टेस्ट होता है, आइसक्रीम का क्वालिटी कैसे बनता है, तो ये सभी चीज़ हमने हमारे कस्टमर जो आए हैं उनको सब बताया है। थैंक यू सर विजिट के लिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे यहाँ पे आप आइए फैक्ट्री में सर, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो हमको अच्छा लगता है इसके हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।